विनीत कुमार जी कह रहे हैं मोदी पीओके करते हैं, कुछ एक्शन लिया नहीं अभी तक पीओके पे, आप क्या सोचते हैं? अक्षय जी ये कह रहे हैं, तो मैंने बोला हुआ है पीओके लेके भैया क्या करोगे, पीओके लोगे तो आपको कट्टर कट्टर ये जिहादी आएंगे आपके पास लाखों, क्या करोगे आप पीओके लेके? राम भद्राचार्य जी पीओके के लिए सुना है यज्ञ करने गए, यज्ञ करेंगे या करेंगे क्या पता नहीं भगवान जन। देखिए मैंने मैंने आप जाके देख सकते हैं इस पे, मैंने एक और चैनल पे मेरे ख्याल से पिछले 2022 में बड़ा डिटेल में ये बात की थी, और मैंने एक और ऑपरेशन बताया था जो कर सकते हैं आप, अगर आपको पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है तो और भी तरीके हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पर पीओके लेना भारत के लिए आत्मघाती होगा, आत्मघाती। वो जो मीरपुरी है अभी बस वहां बचे हुए, तो वहां आप लाखों और कट्टर जिहादी लेके आएंगे अपने पास, और वो अभी 25% है तब तो सारा संसाधन उनको दे दिया, जब वो 50% हो जाएंगे तो सारा संसाधन क्या हिंदुओं को एक एक रोटी एक एक दाने के लिए तरसा देंगे। आज हिंदुओं के टैक्स से ही लूट कर वो अल्पसंख्यक मंत्रालय चला रहे हैं। अब वो छोड़िए, हमने जो राम मंदिर के लिए जो पैसे दिए थे, ठीक है मैंने भी दिए थे, उसको लेकर आपने जिहादियों को दे दिए, उनसे घंटाएं हनुमान जी की घंटी बनाई, हनुमान जी का ध्वज बनाया, मेन घंटी बनाई, और जिहाद के लिए उनको पैसे दे लिए, क्योंकि जो आपने पैसे उनको दिए उसमें से मिनिमम 10% जकत वो जिहाद के लिए देंगे। गर्भगृह का मार्बल बनवा पूरा लगवाया गर्भगृह में, तो बेसिकली ये तो इससे बड़ा विश्वासघात हो क्या सकता है।